सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज थाना में थाना दिवस का आयोजन हुआ था। थाना दिवस पर डुमरियागंज में हर पीड़ित के फरियाद सुनी गई। डुमरियागंज क्षेत्र के उपजिलाधिकारी विकास कश्यप का कहना है कि उनके कार्यभार ग्रहण करने के बाद उनका पहला थाना दिवस है, जो अभी तक पूरा 15 मामला सामने आया है, जिसमें 3 मामले को मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है। जो सभी जमीनी विवाद का मामला सामने आया था, थाना दिवस के मौके पर डुमरियागंज थाना अध्यक्ष एवं पुलिस प्रशासन साथ में मौजूद रही। विराट 24 के लिए सिद्धार्थनगर से नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। फिर दीवानी चले जाओ, इतना दाखिल करने के बाद आ जाओ, उसके बाद जितनी फूल होगी ना उतनी खड़ी करके जिले से बना दूरी देख लेना, ठीक है जी। ये जो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है क्या पुरानी नाली, पुरानी नाली जी जी, मामला निस्तारण किया गया जी। देखिए प्रभार ग्रहण करने के बाद जो है आज पहला थाना दिवस डुमरियागंज में किया गया है, जिसमें अभी 15 मामले जो है वो आ चुके हैं, जिसमें 15 के अधिकतर मामले जो है वो जमीनी विवाद संबंधित है, और इसमें 3 मामलों का जो है मौके पर निस्तारण भी कर दिया गया और 3 के लिए टीम भी निकल गई है, जिनका संभवतः जो है 7 घंटे में। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602888 5990 पर।